एवरीवन, आई एम काजल एंड यू वाचिंग काजल लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज हम खेलने वाले हैं सर्जन सिम्युलेटेड डॉक्टर गेम्स, जिसमें हम एक डॉक्टर होते हैं। सो लेट्स प्ले। सो सबसे पहले हम खेलेंगे ENT। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे हमारा लेवल 1 स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर काइंडली ऑपरेट द ब्रोकन नोज अर्जेंटली। ओके, सो यहाँ पे दीदी की फाइटिंग हो रही थी और दीदी का नाक टूट गया है। सो हमारा फर्ज बनता है अच्छे डॉक्टर होने के नाते कि हम दीदी का ऑपरेशन करें और उनकी जो टूटी वाली नाक है उसको ठीक करें। तो यहाँ पे हमने मार्कर से वहाँ पे मार्कर कर दिया है। अब यहाँ पे हम नाइफ की हेल्प से वो जो मार्कर के है उसको कट करेंगे। और फाइनली वाओ, सो यहाँ पे जो सीजर है उसकी हेल्प से जो भी किया हमने, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे कटर की हेल्प से जितने भी जो डैमेज पार्ट है उसको हम पहले अलग कर देते हैं और अपने आप हो रहे हैं, वैसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बाय द वे यहाँ पे हम ग्लू गन का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो हमने न्यू नोज अब हम यहाँ पे लगाएंगे। और फाइनली यहाँ पे हमने मतलब कि पुरानी जो नोज है उसको तो उसको निकाल कर हमने न्यू नोज लगा दिया। वाओ, अब यहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे ताकि वाओ स्टिच कर दिया यहाँ पे हमने। और यहाँ पे अब आयोडीन ही है, आयोडीन डालेंगे फेस के बाद। आयोडीन लगाकर वाओ, फिर आयोडीन लगाकर हम उसको आयोडीन को पहले क्लीन करेंगे। और फाइनली हमने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया। हम इतने प्रो डॉक्टर है, हमारे पास है ये आ जाया कीजिए। यहाँ पे हमने उसकी पट्टी भी कर दी और फाइनली हमने टाइम से बहुत ही पहले बहुत ही पहले हमने कर दिया। थैंक यू डॉक्टर, कोई बात नहीं है, ऐसे तो हम करते ही रहते हैं। बाय द वे लेवल 2 पेशेंट इज हियर फॉर टॉन्सिल्स रिमूवल। ओके, सो अभी हमें टॉन्सिल्स को रिमूव करना है। सो यहाँ पे हम जूमिंग कर लेते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले स्टिक का यूज़ करते हैं और देन हम स्टिक का यूज़ करेंगे और अब हम लेंस का यूज़ करेंगे जिससे और जूमिंग हो जाए। अब हम ट्वीजर का यूज़ करेंगे, फिर देन लेजर का यूज़ करेंगे। डॉक्टर प्लीज मेक हम पढ़े नहीं पाए, बट एनीवेज यहाँ पे हम दोबारा से ट्वीजर का यूज़ करेंगे जो जिस मतलब कि अब दोबारा से हम लेजर का यूज़ करेंगे। वाओ, सो यहाँ पे हम लेजर और ट्वीजर का, पेशेंट इज फीलिंग रिलीफ। अच्छा, कोई बात नहीं, अब दोबारा से हम लेजर का यूज़ करते हैं। फाइनली हमारा मतलब कि जो टॉन्सिल्स है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब हम जो ये स्टिक है अब उसको रिमूव करेंगे। फाइनली अब यहाँ पे हम वाटर, अब हम यहाँ पे वाटर करेंगे। और अब यहाँ पे हम जो वाटर है उसको जो हमने वाटर किया था अब उसको रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा से हम जूम आउट करेंगे। फाइनली हमारे ये लेवल भी कंप्लीट हो गया। कॉन्शियस रिमूवल माउथ होल्डर्स फाइनल जो भी है। थैंक यू डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट लेवल 3 डॉक्टर दी लेडी नीड्स अ नोज रिंग। ओके, सो यहाँ पे आंटी जी को चाहिए एक नोज रिंग। कोई बात नहीं आंटी जी, आप सही जगह पे आए हो। स्प्रे, सो हम यहाँ पे स्प्रे कर देते हैं। सो सिंपल, अब यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे हम ये जो भी इसका नाम है हमें नहीं पता है, बट एनीवेज यहाँ पे हम कॉटन से क्लीन करते हैं। और यहाँ पे हमने क्लीन भी कर दिया, वहाँ पे हम नहीं पाए, बट एनीवेज यहाँ पे हम दोबारा से स्प्रे का यूज़ करते हैं। और हमने स्प्रे का भी यूज़ कर दिया, फैंटास्टिक। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है कि हम कौन सा रिंग सिलेक्ट करें। सो एनीवेज हमें रेड कलर पसंद है, सो रेड कलर का नोज अप्लाई। गुड चॉइस, वाओ हमें पसंद था। हमारी चॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बट दीदी को बहुत ही अच्छा लगा नोज रिंग पहन के। बट एनीवेज हमारा ये लेवल भी कंप्लीट हो गया। लेवल 4 डॉक्टर दी पेशेंट नीड टू ड्रेन आउट फ्लूइड बिहाइंड द ईयर ड्रम। ओके, सो मतलब कि फ्लूइड भर के इनके जो ईयर ड्रम में है, सबसे पहले हम टेम्परेचर चेक करेंगे। 101। ओके, सो यहाँ पे हमने टेम्परेचर चेक कर लिया। अब यहाँ पे हम सीरिंज का यूज़ करते हैं
तो यहाँ पे हमने सीरीन का यूज़ कर लिया और हमने सीरीन बड़े इंटेक्शन और यहाँ पे हम जूम इन करेंगे और यहाँ पे ईयर ड्रम क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो ये ईयर का एक पार्ट होता है जो कि एक्सेप्शनल होता है। अब हम कैसे बोले यहाँ पे अब हम इसका यूज़ करते हैं ये जो भी है कुछ आई डोंट नो ये क्या है बट एनीवेज यहाँ पे जो ईयर ड्रम है अब हम इसका भी यूज़ करते हैं जो भी है ये यहाँ हमने इसका यूज़ कर लिया है और वहाँ का जो फ्लूइड है जो ईयर ड्रम में था वो बाहर निकल गया है आई थिंक। अब हमें शायद तक इसको रिमूव करना है या इसको यहाँ पे करना है एनीवेज अब जो जिस मतलब कि जो छोटे से हमने पाइप की थी अब उसको हमने रिमूव कर दिया है मतलब कि अपने आप हुआ है हमने कुछ नहीं किया बट एनीवेज यहाँ पे हम कॉटन का भी यूज़ करेंगे जो फ्लूइड है उसको क्लीन करने के लिए। फाइनली यहाँ पे जो मतलब कि जो फ्लूइड है वो निकल मतलब कि क्लीन हो गया है और यहाँ पे हम दोबारा से स्प्रे का यूज़ करेंगे फाइनली वाओ। सो यहाँ पे हम जूम आउट करेंगे वाओ हमारे ये लेवल भी कम्प्लीट हो गया फाइनली। यू सी यू लेजर आई गुड जॉब डॉक्टर आई एम फीलिंग बेटर जो भी लिखा था एनीवेज हमारे ये लेवल भी कम्प्लीट हो गया है तो चलते हम नेक्स्ट लेवल पे। सो यहाँ पे हमने ENT बहुत ही ज़्यादा खेल लिया अब हम खेलेंगे और टू सो लेट्स गो लेवल सिलेक्शन। सो यहाँ पे हमारा लेवल 1 ही स्टार्ट हो गया है और डॉक्टर पेशेंट इज हियर इज वेरी बेड कंडीशन ऑफ द फूड प्लीज प्रूव द इमीडिएट हमें जल्दी से इनका मतलब कि इनका हेल्प करना है। सो यहाँ पे हमने कॉटन से जितनी भी डस्ट है उसको क्लीन कर दिया कोल्ड भी पैक कोल्ड पैक तो यहाँ पे हमने कोल्ड पैक का भी यूज़ कर लिया वो उनके हाथ में तो कांच है तो यहाँ पे हम ट्वीजर का यूज़ करके जो कांच है उनके अंदर मतलब हाथ में घुसा था उसको निकाल लिया फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉटन का वाओ। सो यहाँ पे हमने कॉटन का यूज़ कर लिया फाइनली अब यहाँ पे हम स्टिच करेंगे वाओ परफेक्ट। सो यहाँ पे हमने स्टिच भी कर दिया अब यहाँ पे हम बैंडेज लगाएंगे अब आप जिनका भी हाथ है वो हाथ जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे बट एनीवेज हमारा गुड वर्क डॉक्टर हमारा ये लेवल भी कंप्लीट हो गया तो हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। लेवल 2 पेशेंट हैंड फिंगर गॉट फ्रैक्चर्ड ओके सो जो इनका हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया है सो हमारा काम क्या है कि हम उसे सबसे पहले स्कैन करें वो क्या बोलते हैं उसको जिसे वो स्कैन करते हैं ना एक्सरे हमने एक्सरे किया वहाँ पे फ्रैक्चर था हमने देख लिया और यहाँ पे अभी हम सीजर का यूज़ करते हैं अब इसका नाम नहीं पता बट हम इसको सीजर ही बोलेंगे बट यहाँ पे एक और सीजर का हम यूज़ करते हैं ये शायद ट्वीजर या जो भी हो सीजर प्लस ट्वीजर इक्वल टू जो भी है। सो यहाँ पे हम दोबारा से इसको हमने उसको रिमूव कर दिया मतलब फ्रैक्चर को ठीक कर दिया एनीवेज यहाँ पे हमने स्टिच भी कर दिया अब यहाँ पे शायद तक हम बैंडेज लगाएंगे सो यहाँ पे हम कॉटन और यहाँ पे कॉटन से अब यहाँ पे बहुत ही मतलब पट्टी कर देते हैं जो पट्टी करते हैं ना जिनके हाथ मतलब फ्रैक्चर हो जाते हैं बट एनीवेज गुड वर्क डॉक्टर तो चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। लेवल 3 डॉक्टर अ पेशेंट इज हियर विद अ क्लीवेज फ्रैक्चर अब इनको भी फ्रैक्चर हुआ है सो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम वो क्या बोलते हैं एक्सरे करेंगे एक्सरे बोलते हैं हम एक्सरे करते हैं हमें भी पता है एंटीसेप्टिक का हम यूज़ करते हैं क्योंकि ओके हमने यहाँ पे एंटीसेप्टिक का यूज़ किया अब उसे हम कॉटन से शायद तक उसको फैलाएंगे फाइनली एंटीसेप्टिक बट एनीवेज यहाँ पे सबसे पहले हमने मार्कर से यहाँ पे मार्क कर दिया है देन यहाँ पे हम कटर का यूज़ करते हैं फैंटास्टिक थैंक यू बट यहाँ पे हम मतलब कि उसको जो भी सीजर का यूज़ करते हैं अब ये दोबारा जो है उसको हमने जो फ्रैक्चर था वो सही कर लिया है और फाइनली हमने जो अब यहाँ पे हम एक चीज करेंगे
अब उनके फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर ठीक हो गए हैं। अब जो भी है यहाँ पे हम दोबारा से हम पट्टी कर देते हैं। फाइनली हमारा ये लेवल भी कंप्लीट हो गया इतनी जल्दी। गुड जॉब डॉक्टर, आई एम फीलिंग वेरी वेरी वेल। बट हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। लेवल 4, प्लीज रीड द ब्रोकन एंकल ऑफ द पेशेंट। ओके, सो हमें कुछ समझ नहीं आया। बट एनी वेज यहाँ पे सबसे पहले हम कटर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने कटर का यूज़ कर दिया। जो वो जो फर्स्ट वाले में थे ना, मतलब कि फर्स्ट या सेकंड पेशेंट थे, उनकी हड्डी मतलब कि हमने उनके में। लेवल 4, प्लीज ट्रीट द ब्रोकन एंकल ऑफ द पेशेंट। ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हम कटर का यूज़ करते हैं और जो पट्टी उसको हम हटा देते हैं। सो सिंपल। और अब यहाँ पे हम एक्सरे का यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक्सरे में उनकी हड्डी बहुत ही मतलब ठीक ठाक है अभी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सीजर का यूज़ करते हैं जिससे जो हमने स्टिच किया था वो धागे निकल जाए। अब यहाँ पे हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं फाइनली। सो हम यहाँ पे एंटीसेप्टिक का यूज़ कर लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉटन का यूज़ करते हैं जो एंटीसेप्टिक को अच्छी तरह से लगाने के लिए। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हम पट्टी का यूज़ करते हैं। फाइनली हमने उस पट्टी को निकाल कर दूसरी पट्टी कर दी है। फाइनली अब कटर, एक्सरे, सीजर्स, अच्छा उसको एक्सरे ही बोलते हैं। गुड जॉब डॉक्टर, वेरी जो भी था। बट एनीवेज अगर